तो गाइज अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सर्च कर लेना यहाँ पे सऊदी नेशनल एड्रेस। ये सर्च करने के बाद आपको एक लिंक आ जाएगी। ये जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, सऊदी नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन, ये वाले पे आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। आपको इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक नया ओपन हो जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है इस पर। और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक अलग से यहाँ पे बोल रहा है, इसका टर्म एंड कंडीशन है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें वही सब बताता है इस यहाँ के बारे में। उसके बाद इस पर आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर इंडिविजुअल पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे बोल रहा है, देख सकते हो, डियर कस्टमर योर एड्रेस विल बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू योर, यहाँ पे सारा पूछ रहा है। यहाँ पे आपको रीजन बोल रहा है सिलेक्ट करने, कौन सी जगह में हो आप, तो यहाँ पे जो भी जगह में होगी आप वहाँ सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद सिटी बोल रहा है, आप सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको आपकी जो भी सिटी होगी यहाँ पे सिटी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बिल्डिंग नंबर आपको पूछेगा, तो बिल्डिंग नंबर आपके पास होना चाहिए। आप वहाँ पे जो भी एड्रेस डाला होगा वो बिल्डिंग नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। बिल्डिंग नंबर यहाँ से डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एड्रेस जो आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से देख सकते हो करेंट एड्रेस ये बोल रहा है, यहाँ पे वेरीफाइड ये हो गया है। अब देख सकते हो आप, ये वेरीफाइड हो गया। अब नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको 51 नंबर यहाँ डालना है। और यहाँ पे सऊदी या नन सऊदी नेशनल आईडी टाइप में, तो सिंपल आपको नन सऊदी में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 51 नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे नेशनल आईडी टाइप में आपको नन सऊदी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे डेट टाइप पूछ रहा है यहाँ पे, इसमें जो है जॉर्जियन आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो इंग्लिश में रहेगा। तो यहाँ पे कामा एक्सपायरी डेट डालना है। तो गाइज यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर वो आपको याद नहीं है तो आप अपना अफसर अकाउंट चेक करके वहाँ से डाल सकते हो। अफसर में आपको दिखाता है डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ से ये डेट ऑफ एक्सपायरी, ये कामा की एक्सपायरी डालना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, ये कामा एक्सपायरी डालना है। यहाँ पे डाल देना है आपको। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे मेल या फीमेल ये सब सिलेक्ट करना है। अभी मैं सारा कुछ डाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ रेसिडेंट, ये फ्लैट, यहाँ पे रेसिडेंट ओनरशिप, रेंट रहने देना है। आर यू एक्चुअल रेंटर, नो, यहाँ पे यू नो ही पे सिलेक्ट करना है। अपार्टमेंट नंबर इन बिल्डिंग ये बोल रहा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, जो कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है, और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। अब ये कोड डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब ये देख सकते हो आपका जो है, ये बोल रहा है कि रिव्यू कर लेने, ये जो जो इन्फॉर्मेशन आपने डाला है ये सारा सही है कि नहीं, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद लोकेशन आपका बोल रहा है कि जो जो लोकेशन आपने डाला है वो सारा सही है या नहीं, ये सब वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब ये जो है आपका रजिस्टर फाइनली हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, थैंक यू योर नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ये देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। अब ये बोल रहा है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस अभी आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये बोलेगा कि ये एड्रेस को आपको वेरीफाई करना है, नेशनल एड्रेस को, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में कर लेना है। और इंग्लिश में करने के बाद आपको यहाँ पे 51 नंबर मोबाइल नंबर डाल के ये आईडी को वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई आईडी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद एक और कोड आएगा आपके मोबाइल पे, जो कोड आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अब ये कोड आपको इंटर करना है, और इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने ये बोल रहा है ये आपका अकाउंट नंबर यूजर नेम हो गया, ये आईडी हो गई। अब यहाँ पे ये सारा कुछ दिखा रहा है, व्यू डिटेल ऐड मेंबर, यहाँ पे ये सब कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ये जो आपका एड्रेस आया है इसको प्रिंट कर सकते हो। इसको आपको प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये जो है आपका एक प्रिंट भी हो जाएगा, ये देख सकते हो, ये प्रिंट, ये आपका एड्रेस हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको सेव एज पीडीएफ ये आपको सेव कर लेना है। यहाँ से सेव कर लोगे तो आपके मोबाइल में ये सेव हो जाएगा।
ये आपको सेव कर लिया और यहाँ पे इस तरह का आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा देगा किसका है, जो भी एड्रेस वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपका एड्रेस जो है वेरीफाई हो जाता है और एड्रेस बन जाता है 24 घंटे के अंदर में बता रहा है कि ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो अभी तो आपका रजिस्टर हो गया, तो इस तरह से आप अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मैंने जो बताया समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।